हाँ जी, शुरू करते हैं क्विज को। और क्विज शुरू करने से पहले ना, मैं दोबारा से चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को एक बार क्लैपिंग करके अप्रिशिएट करो, और मुझे बताओ कि आप क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो। सोच के बताओ क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो इन बच्चों को। इन्होंने हाथ रेज किया और बोला आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड सी वॉट आई कैन डू इन लाइफ। तो कौन जीत रहा है इनमें से? सारे के सारे जीत रहे हैं। एवरी पार्टिसिपेंट इज अ विनर। हार कौन रहा है? जिन्होंने सुबह क्विज नहीं खेली और बोला कि खेलूंगा तो डिप्रेस हो जाऊंगा, नंबर पता नहीं कितने आएंगे, वो हार जाता है। जीतेगा कौन? जो पार्टिसिपेट करेगा। तेरा दोस्त है मुझे पता है। अच्छा, और ऑडियंस के लिए भी गिफ्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, शुरू करने से पहले आपने मुझे बताना है हमारी जिंदगी में बदलाव कब आएगा। हमारी जिंदगी कभी भी बदलती है तो कब बदलती है? हम सब सोचते हैं जिंदगी बदलती है कई सालों में, हम सोचते हैं 5 साल में, 6 साल में जिंदगी बदलेगी। बदलती है एक मोमेंट में, एक मोमेंट में जिंदगी बदल जाती है। मोमेंट कौन सी होती है? वो मोमेंट होती है जब हम डिसाइड करते हैं कि जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। एक बच्ची के बारे में बताऊंगा, फिर शुरू करेंगे क्विज को। ये इससे रेलिवेंट है बात, इसलिए बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट थी, इसका मैं इंटरव्यू कर रहा था डैम्स के यूट्यूब चैनल पे। इसके इंटरव्यू के समय पे मैंने इससे पूछा कि आपके इंटरव्यू करना है, आपसे क्या क्या बात करनी है। तो पहले मैं बच्चे से बात करता हूँ, थोड़ी देर बात करते हैं, फिर हम लाइव क्विज शुरू करते हैं। आपको लाइव जो इंटरव्यू होता है शुरू करते हैं। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इंटरव्यू दे रहे होगे थोड़े टाइम में, आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू करने से पहले मैं बच्चे से थोड़ी देर बात करता हूँ, फिर क्विज करता हूँ। थोड़े दिन बाद आपका भी इंटरव्यू होना है, याद है आपको ना, तो भूलना नहीं आपने। तो उससे मैंने पूछा, बेटा अपने बारे में बताओ। कहती सर लास्ट ईयर नीट पीजी आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, शी वॉज नॉट क्वालिफाइड इन द लास्ट नीट पीजी। मैंने बोला अपने बारे में और बताओ। सर एवरेज कॉलेज, एवरेज स्टूडेंट। मैंने बोला और बताओ। कहती सर इंटर्नशिप माई फैमिली हैड सिलेक्टेड अ मैच फॉर मी एंड आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा और बताओ। कहती सर लेकिन इंटर्नशिप के एंड में दी फैमिली थिंग, जो परिवार ने सोचा था, इट डिड नॉट वर्कआउट। जो परिवार ने सोचा था, इट डिड नॉट वर्कआउट। और उस दिन मुझे कहती कि उस दिन मुझे ऐसा लगा उस एक मोमेंट में कि मैंने अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल सब लोगों को दे रखा है। कहती मुझे लगा मैंने मेरी ज़िंदगी का रिमोट कभी परिवार को दे दिया है, कभी मैं कह रही हूँ कि मैं साधारण हूँ, कभी मैं कॉलेज को दे रही हूँ, कभी कहीं दे रही हूँ। कहती उस दिन मैंने बोला, ठान लिया कि ये ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। और कहती उसके बाद मैं बहुत पढ़ी। उसके बाद उसने हमारे साथ रेगुलर कोर्स किया, केरला की स्टूडेंट थी। और कहती सर कभी मैं 15 घंटे पढ़ी, कभी मैं 12 घंटे, कभी 10 घंटे, लेकिन मैंने ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ये बच्ची मुझे इंटरव्यू दे रही है डैम्स की यूट्यूब चैनल पे। क्यों दे रही थी? इंटरव्यू क्यों था उसका? उसका रैंक था। क्या रैंक हो सकता है? नॉट क्वालिफाइड थी, साधारण घर से थी, साधारण कॉलेज से थी, साधारण MBBS की स्टूडेंट थी। MBBS तक उसने सोचा था मैं तो शादी होगी उसके बाद सोचूंगी, पढ़ा ही नहीं था। क्या रैंक होगा उसका? उसका उस साल में रैंक 1 था। क्या सीखा हमने? जिंदगी में बदलाव कब आता है? बोलो, एक मोमेंट होती है जिस दिन हम कहते हैं बहुत हो गया, ये रिमोट कंट्रोल जो मैंने लोगों को दे दिया, दुनिया को दे दिया, मेरे हाथ में होना चाहिए था, ये मेरा है। और उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है आज हो सकता है कुछ दिन बाद हो सकता है आप उसको छुपते रहो। कई बार हम ऐसे छुपते रहते हैं कि नहीं यार, मैं तो इतना सीरियस ही नहीं हूँ, नहीं मैं तो पढ़ना नहीं चाहता, नहीं मैं तो करियर भी नहीं बनाना। अपने लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे मास्क ढूंढ लेते हैं। एक दिन हम मास्क उतार देते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे जीतना है, उस दिन ज़िंदगी बदलाव आ जाता है। जैसे इन बच्चों ने आज हाथ उठाया और बोला हमें खेलना है। ओके, खेलना है, क्यों खेलना है बच्चे बताओ? किस लिए खेलना है? जीतने के लिए खेलना है, एक बार बोल के दिखाओ। टीम 1 बोलो क्यों खेलना है? जीतने के लिए खेलना। शाबाश। दूसरी टीम? जीतने के लिए खेलना। शाबाश। तीसरी टीम? जीतने के लिए खेलना। शाबाश। या तो हराने के लिए खेलना है, लाइन बदल भी सकते हैं, कोई बात नहीं। चौथी टीम? जीतने के लिए खेलना। शाबाश। पांचवी टीम? जीतने के लिए। कैन यू फील द कॉम्पिटिशन ऑन द रूम? सब लोग कह रहे हैं जीतने के लिए खेलना, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जेंटलमैन हूं, मैं चाहता हूं बेस्ट लोग जीतें, ऐसी की तैसी मैं ही जीतूंगा। डू यू एग्री कि नहीं? यस। दिस मोमेंट वी स्टार्ट द 3 राउंड्स इन दिस क्विज। इस क्विज में 3 राउंड होंगे, ठीक है? अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जानी है उसको ध्यान देना है। क्विज मास्टर का डिसीजन फाइनल होगा। पहला राउंड ट्रिविया, दूसरा राउंड कनेक्शन, तीसरा राउंड खाना, एनिमल,
और जगहें प्लेसेस इन मेडिसिन. जैसे मैं फूड की बात करूंगा आपको भूख लगेगी, आपने चिंता नहीं करनी, हमारे पास प्राइजेस हैं आपके लिए. ओके रेडी स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड. राउंड वन ट्रिवियास टीम ए आर यू रेडी टू प्ले योर फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर. एक्साइटेड? बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको और ये लोग आपको YouTube पे लाइव लेके जा रहे हैं. ओह माय गॉड, अब तो बताना ही पड़ेगा. इस टीम में इस क्विज में अगर आपने सही आंसर दिया तो 10 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, पास कर सकते हैं 5 मार्क्स. ठीक है, क्लियर? कोई नेगेटिव नहीं है, मन दिल भर के जो मन में आए तुक्का मारना है, कुछ नहीं समझ आए तो राहुल गांधी बोल देना. रेडी? ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है डेग्मासाइट्स आर सीन इन विच कंडीशन? टीम ए ऑन योर मार्क्स. Can we get to know your answer? Audience, be alert. हो सकता है आपके पास आ जाए. Ready? Team है, जल्दी बताओ. Sir, G6PD deficiency. ये लोग कह रहे हैं कि G6PD deficiency answer है. लगता है आपको? Correct. Full 10 marks. Well done. Give them a big hand. Okay. आगे आगे चल बेटा आगे आगे. अगला. शाबाश. अगला. ओके टीम बी योर क्वेश्चन. बहुत नाइंसाफी है उनका, एक लाइन का, इनका इतना लंबा. ओके. इन रिमोट विलेज इन वेनेजुएला पॉपुलेशन हैज बीन अफ्लिक्टेड बाय स्ट्रेंज डिजीज फॉर सेंचुरीज, जिसमें यंग लोग नॉर्मल है, मिडिल एज लोगों को स्ट्रेंज प्रोलिक्टिविटी टू ब्रिदलिंग लिम्ब मूवमेंट्स है, रिजेंबलिंग अ मैकबर्ड डांस, डिजीज अफेक्ट्स 1 in 10,000. Such high concentration of disease made it a backbone of Nancy Wexler research. Her research in Venezuela was crucial for a big breakthrough in 1993, jisme ye bimari ko pehchana gaya jiska gene chromosome 4 pe hai. Identify the disease, team B. Movement ke bare mein sochna hai, movement ke bare mein aur sochna hai ki koi research hui jiska gene chromosome 4 pe hai. Huntington chorea, chromosome number 4, rhythmic leg movements. क्या आप लोगों को लग रहा है ये ठीक बता रहे हैं? Correct. The answer is Huntington's chorea, first identified in 1993, caused by single gene mutation, subsequently called as Huntington on chromosome 4. इसमें CAG repeat होते हैं associated with anticipation. First defect to be described exhibiting this phenomena. एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा CAG रिपीट फिनोमेना कौन से डिसऑर्डर में देखते हैं. आंसर है हंटिंगटन्स कोरिया. रेडी? ओके टीम सी करें आपके लिए अलर्ट हैं आप? ओके टीम सी रेडी. ऑल्दो फर्स्ट फॉर्मली डिस्क्राइब्ड इन 1904 व्हेन अ मेडिकल स्टूडेंट फॉर सम रीजन एग्जामिन्ड अ पेरिफेरल ब्लड फिल्म अंडर माइक्रोस्कोप, डिजीज हैज बीन नोन फॉर सेंचुरीज एज जनबल प्रभूत Pandu Roga in Ayurveda, Ga tribe in West Africa called it Chui Chi body beating and E tribe said new body twisting. सोच के देखना, ब्लड फिल्म में पता चला पहले से अफ्रीका और आयुर्वेदा में पहले ही बता दिया गया था. हाँ जी टीम सी, आपसे पहली दो टीम फुल मार्क्स ले चुकी हैं, आप बहुत प्रेशर में लग रहे हैं मुझे. सोचो और बताओ. ऑडियंस सोच रहे हम ही चॉकलेट जीत लेते हैं, इनसे तो होगा नहीं. सोचो. सिकल सेल. पूरा बोलते सिकल सेल. सिकल सेल एनीमिया. ये लोग कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया है ये. क्या ऑडियंस एग्री कर रहा है? मुझे लग रहा है ऑडियंस कह रहा है हमने पहली बार सुना. बाकी टीम आप एग्री कर रहे हो? करेक्ट. ये करेक्ट. फुल मार्क्स 10 मार्क्स. मोर्फोलॉजिकल अनोमली डिस्क्राइब्ड इन 1904. वेरिएंट हीमोग्लोबिन फर्स्ट डेमोंस्ट्रेटेड इन 1951. म्यूटेशन आइडेंटिफाइड 1956. Chromosome 6, beta chain of hemoglobin switched from glutamate to valine. Very good. Tukka mara tha aapne. Guess mara tha. India-Africa ke hisab se na. Mujhe laga aisa socha. Chal koi baat nahi. Number dete hain. Koi baat nahi. Okay. Team 4, Team D, are you ready? Surgical gloves were invented by a famous cocaine snorting surgeon out of his love for fiancee's hand to protect them from corrosive injury. Identify the surgeon otherwise known for advancements in radical mastectomy, inguinal hernia surgery, bowel anastomosis. Trivia round hai ye, trivia round. Aisa kaun sa surgeon tha jisne surgical gloves banaye, radical mastectomy ke bare mein bataya, uske naam ke upar radical mastectomy surgery bhi hai,
इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी के बारे में बताया, बावल एनेस्थेमोसिस के बारे में बताया, सोचो। टीम डी, ऑडियंस प्राइज है ये, उछाल दे वहां से, ऑडियंस प्राइज भी है, ये लोग पास कह रहे हैं। टीम ई, पास, टीम ई भी कह रही है पास। ए बी सी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं कि पास कर दें और ऑडियंस के पास जाएं? ऑडियंस तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ आए, जल्दी से बताना है। मैं यहाँ पे टीम को रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस प्राइस को रेडी कर लें ताकि ऑडियंस की तरफ प्राइस चला जाए। हाँ बेटा, सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना पास क्वेश्चन के? नहीं है, चल कर ले। बेसिनी गलत। ओके, सो नन ऑफ देम हैज बीन एबल टू आंसर दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्लू याद कर लो, इसके नाम के बाद रेडिकल मैस्टेक्टोमी की सर्जरी भी। एनीबडी इन द ऑडियंस वांट्स टू आंसर एंड मेक अ मार्क, हाथ खड़ा करके बताना है। सारे भीड़ में तो कोई भी बता देगा। हाँ बच्चे, सबसे पीछे में। अच्छा, और कौन बता रहा था? ये बच्चा कह रहा है हालस्टेड, खड़ा हो जा बेटा, शाबाश, गिव हिम अ बिग हैंड, वेल डन। आंसर है विलियम स्टीवर्ट हालस्टेड, पूरा नाम बताना था, पूरा नाम इसी ने बताया। आई थिंक वी गिव हिम अ प्राइज। और मैंने देखा कि जैसे ही आपने मेरी रूल को याद किया, जीतना शुरू कर देंगे। रूल का नाम है, जैसे ही चैलेंज आएगा हाथ खड़ा करना है, ठीक है? जीतेगा कौन जो हाथ खड़ा करेगा। एक आदमी था जो भगवान से मांग रहा था, भगवान मेरी लॉटरी लगाते, भगवान मेरी लॉटरी लगाते। 20 साल हो गए भगवान मेरी लॉटरी लगाते, भगवान मेरी लॉटरी लगाते करता रहा। 20 साल बाद भगवान आए, कहते बेटा प्लीज टिकट तो खरीद ले। टिकट खरीदने का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी को सीख करना है, चैलेंज को लेना है। चैलेंज कैसे लोगे बताओ? हाथ खड़ा करके। अगर हाथ ही नहीं खड़ा करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप जीत भी सकते हो। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, देख के देखते हैं ना। रेडी टीम ई, आर यू रेडी नाउ फॉर योर डायरेक्ट क्वेश्चन? व्हाट इज बर्गमैन्स ग्लायोसिस? टीम ई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रिसेंटली एक हमारे INICT के पेपर में पूछा भी गया था। एनीवन, व्हाट इज बर्गमैन ग्लायोसिस? टीम ई, सेरेब्रल एट्रोफी। हाँ आगे, सेरी ब्रल ब्रल एट्रोफी। एट्रोफी गलत जवाब। अगला टीम ए पास। टीम बी पास। टीम सी, आपकी बातों से लग रहा है पास करने वाले हो आप, लेकिन बोल दो। नॉड्यूलर वेरिएंट ऑफ एस्ट्रोसाइटोसिस। क्या चीज? नॉड्यूलर वेरिएंट ऑफ एस्ट्रोसाइटोसिस। गलत। टीम डी। हाँ जी, ओके ऑडियंस, बर्गमैन ग्लायोसिस। 2 साल पहले INICT के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एंड इफ आई आस्क यू अगेन, पिछले साल NEET PG के एग्जाम में ये जो कंडीशन है, जो जिसके जिससे रिलेटेड है, उस चीज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए पिछले साल की NEET PG में। लेट्स सी, कोई आंसर बताना चाहता है ऑडियंस में? एनीवन इन द ऑडियंस, आर यू देयर? नहीं भी है तो ट्राई तो कर ले, हाथ उठा कुछ भी बोल दे। इसका आंसर राहुल गांधी नहीं है, और कुछ? ओके, कोई भी नहीं बता पा रहा, तो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी द आंसर। आंसर है अल्कोहल इंड्यूस्ड सेरिबेलर डीजनरेशन कॉल्ड एज बर्गमैन ग्लायोसिस। पिछली बार NEET PG के एग्जाम में अल्कोहल रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए कि ज्यादातर बच्चों ने एग्जाम के बाद इंस्टाग्राम में लिख दिया एग्जामिनर वॉज अ अल्कोहलिक। ओके, अल्कोहल से क्या होता है? मैं एक क्वेश्चन आपसे ऑडियंस से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हो। अल्कोहल के कारण अल्कोहलिक्स में ऐसे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है जिसके बाद उसे कंफ्यूजन, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया और अटैक्सिया हो जाता है? यस बेटा हाँ, विटामिन B1, करेक्ट। ही डिजर्व द प्राइज, गिव हिम अ बिग हैंड। नाम क्या था उसका, कंडीशन का नाम क्या है? ऑर्निकेस एनसेफेलोपैथी, वेल डन। इतने क्वेश्चन आए पिछली बार अल्कोहल के बारे में कि लोगों ने बोला एग्जामिनर ही अल्कोहलिक था। सोच के बताओ क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अल्कोहल पे क्वेश्चन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अल्कोहल का प्रिवेलेंस ज्यादा हो गया। आज के फेस्टिवल में भी आप देखोगे मेरे जाने के बाद प्रिवेलेंस आपको दिखाई देगा। ये इससे हमने क्या सीखा? जब मैं MBBS कर रहा था, मेरे MBBS के अंदर हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि जब भी अल्कोहल की बीमारी आती थी, कहता था प्रॉब्लम ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी।
20 साल में पूरे हिंदुस्तान में हमने इतनी मेहनत की है, अब ऐसा कोई नहीं बोलता। डू यू एग्री? तो मैं फिर से याद कराना चाह रहा हूं आपको, आखिर में वो जीतेगा जो इस ट्रायंगल को याद रखेगा। याद करना, सपने, हेल्थ, रिश्ते वो जो बनाओगे और जो बने हुए हैं, वो भी जो परिवार के थे और जो अभी कॉलेज में बनेंगे, वो भी रिश्ते, हेल्थ और सपने। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी हेल्थ, मदर्स मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है। पीयर प्रेशर में नहीं आना कि सब लोग कह रहे हैं कि यही कूल है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बनना सबसे ज्यादा कूल है। एक गिलास उठाना ज्यादा कूल है कि डॉक्टर बनना ज्यादा कूल है? डॉक्टर बनना ज्यादा कूल है, सबसे कूल है डॉक्टर बनना। बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक होके बोलना है, मैं सबसे कूल हूं। ओके ऑडियंस, आइडेंटिफाई द फेमस पर्सनैलिटी शोन टू यू इन द इमेज। ऑडियंस, फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको पहचानने की ज्यादा कोशिश करो। कोई है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का बच्चा यहां पे? फर्स्ट ईयर, अच्छा सेकंड ईयर वाले, इसको मिले थे आप? कौन है ये? हाँ बच्चे, ये बच्चा कह रहा है कि गाइटन है। कई बच्चे कह रहे गाइटन कौन था? उसकी किताब पढ़ी थी आपने? ओके वेल डन, वी गिव हिम अ प्राइज, वेल डन, गिव हिम अ बिग हैंड। गाइटन पढ़ी तो नहीं, पहचान तो पाए कम से कम। वेरी गुड, ओके ओके। नेक्स्ट राउंड नंबर टू, टोटल 3 राउंड है। राउंड नंबर 2 है हमारा कनेक्ट। इसमें हर टीम को एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें उसके टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे, हर पार्ट के 2.5 मार्क्स और फाइनल आंसर के 5 मार्क। मतलब अगर एक पार्ट भी बता दोगे तो 2.5 मार्क्स। स्कोर कौन रख रहा है? स्कोर रख रहे हैं ना बेटा? मार्किंग पता है ना बेटा आपको? 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 5 मार्क्स फॉर फाइनल आंसर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पास नहीं है। क्विज मास्टर फाइनल, अगर ये नहीं बताएंगे तो ऑडियंस पे आ जाएंगे। करें टीम ए से शुरू करें कि ई से शुरू करें? ए या ई, उल्टा शुरू कर दें? क्योंकि पहले आपको एक बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था तो उल्टा कर देते हैं बेटा, है ना? ऐसे यहां से शुरू करेंगे बेटा। रेडी? ओके, ऑन योर मार्क्स टीम ए, 4 इमेज है आपके पास, देखो कनेक्ट करो और बताओ क्या दिखा रही है। ये चार को जोड़ के सोचो कि क्या ये एक चीज से एक्सप्लेन हो सकते हैं। ऑडियंस भी सोचो, अरे अभी वो उसका बारी चल रहा है भाई, पहले हाथ उठा के आगे आना था ना, अभी पहले उसकी बारी फिर ऑडियंस की। ठीक है, सोचना शुरू कर दे बेटा। ओके ओके, टीम ए, टीम ई, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कह रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड है, क्यों है? माइक पे बोल दे, बाकी बच्चे भी सुन लेंगे ना। हाँ सर, वो सीजीएमपी ट्रांसपोर्टर दिखा रखा है। ठीक है, और सर जो मतलब ब्लड वेसल्स है एंडोथेलियन से ही जनरेट होता है। अच्छा, और ए पे क्या लग रहा है? ए में सर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसमें देखिए उसके डंबल में कुछ ना वो मेटल नहीं है, कुछ और ही लग रहा है। वाटरमेलन लग रहा है। हाँ, वाटरमेलन से कुछ जोड़ के देख तो। अच्छा, आखिरी में क्या है? ओके, हाँ वाटरमेलन खाने से इंक्रीज होता है नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा। चलो आई थिंक यू नो आप लोग अगर सही समझें तो इन्होंने सारा पूरा नहीं बताया, बट आई थिंक वी कैन गिव इट टू देम। दे आर सेइंग इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दे डिजर्व अ बिग हैंड। पहला इमेज दिखा रहा है वाटरमेलन, अ सोर्स ऑफ सिट्रुलिन फ्रॉम विच नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म। दूसरा दिखा रहा है एंडोथीलियम, वापस से दिखाना। दूसरा दिखा रहा है एंडोथीलियम, इशारा करिए बेटा एंडोथीलियम की तरफ। हाँ शाबाश, ओके। और ये साइटो प्रोडक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड की। तीसरा दिखा रहा है साइक्लिक जीएमपी जो सेकंड मैसेंजर है नाइट्रिक ऑक्साइड का। और चौथे पे दिखाया गया था हीमोग्लोबिन, नाइट्रिक ऑक्साइड इनएक्टिवेटेड बाय हीमोग्लोबिन। ऐसा करके कनेक्ट द डॉट करना था, आंसर था नाइट्रिक ऑक्साइड। दे हैव गॉट इट राइट, आई थिंक दे डिजर्व फुल 15 मार्क्स। ऑलमोस्ट बता दिया था उन्होंने, ऑलमोस्ट ठीक था मतलब। ओके, आप देख ही सकते हो वी आर वेरी मतलब कंसिडरेट व्हेन यू आर आंसरिंग। ओके ओके बेटा, रेडी? टीम डी, आर यू रेडी फॉर योर डायरेक्ट क्वेश्चन टू कनेक्ट? टीम डी थोड़ा, टीम ऊपर गलत लिखा रहा होगा, देख लें, टीम डी वाले हैं ये। ठीक है, हाँ जी बेटा,
फर्स्ट इज शोइंग समथिंग लाइक ट्रायड फर्स्ट में कह रहे तीन बच्चे हैं तो ट्रायड हैं चलो ओके एंड सेकंड इज शोइंग थर्ड इज शोइंग स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ओके एंड फोर्थ इज शोइंग न्यूमोबिलिया ओके एंड सेकंड इज शोइंग गॉल स्टोन थोड़ा उल्टा पुल्टा तो कर दिया आपने लेकिन आई थिंक कह सकते हैं तो कहना क्या चाहते हो आप मतलब व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डायग्नोस फ्रॉम दिस रेगुलर स्ट्राइड ये लोग कह रहे हैं कि रेगुलर स्ट्राइड है रेगुलर स्ट्राइड किस में दिखता है एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस रेगुलर स्ट्राइड इज सीन इन गॉलस्टोन आइलियस गॉलस्टोन आइलियस क्या होता है कोई बच्चे हैं अभी यहाँ पे जो थर्ड ईयर में है शाबाश कोई फाइनल ईयर में है सेकेंड ईयर में इंटर्न रेगुलर ट्रायड क्या होता है रेगुलर ट्रायड होता है अगर कोई गॉल स्टोन माइग्रेट करके बावल में चला जाए और बावल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दे तो क्या क्या मिलेगा स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन रेडियो पे गॉल स्टोन और जब स्टोन बावल में जा रहा होगा तो बावल से बिलरी ट्रैक्ट में क्या जाएगा एयर उसको बोलते हैं न्यूमोबिलिया एक बार आगे दिखा दो तो ये ट्रायड शोइंग एक्टोपिक गॉल स्टोन स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन न्यूमोबिलिया आई थिंक दे डिजर्व फुल मार्क्स फॉर दिस वेल डन गिव देम अ बिग हैंड ओके टीम सी नाउ टीम सी आपके लिए अच्छी बात यह है कि हम उधर से शुरू करें इधर से शुरू करें आपके लिए क्वेश्चन ठीक आएगा ओके टीम सी कनेक्ट द डॉट्स इन तीन चीज चार चीजों को कोई जोड़ सकता है तो बताओ सर पिक्चर टू इज शोइंग मेडन वेस्ट अपीयरेंस इन रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस पिक्चर टू ओके थर्ड वन इज लिम्फोप्लास्मोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ओके सॉसेज अपीयरेंस ओके ऑटोइम्यून पैनक्रियाटाइटिस अच्छा कनेक्ट कैसे करेंगे इनको ये सब जुड़ कैसे रहे और आखिरी में वो जो है जिसका मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बटरफ्लाई आप पढ़ रहे हैं मतलब वो है कुछ ऐसा वो क्या है सर बाकी तीन से तो अच्छा कनेक्ट कर दो IgG4 रिलेटेड डिजीजेस ठीक जा रहे हैं ये लोग तो क्या कहते हो दे दें ओके अभी मैं विल गिव यू द मार्क्स चौथे वाला क्या है सोचना चाहते हो कि ऑडियंस से पूछें एक बार तो सोच जब तक मैं पूछता हूँ ऑडियंस में से कोई प्राइज जीतना चाहता है इनको हम दे देंगे मार्क्स लेकिन बटरफ्लाई क्या है यहाँ पे बटरफ्लाई से रैश तो नहीं है अब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ओके वी गिव देम इट लेकिन आप लोग बताओ कोई बच्चा सोच थायराइड में है क्या अब आपका हो गया उनको बताने देते यस ओके रीडल्स थायराइडाइटिस किसने बोला शाबाश गिव हर अ प्राइज एंड अ बिग हैंड वेल डन आई थिंक आपके ऑडियंस बहुत ज्यादा होशियार हैं सब आंसर बता रहे हैं ओके रेडी नाउ लेट्स सी द कनेक्शन पहला इमेज दिखा रहा था वापस इमेज पे आ जा सॉसेज शेप पैंक्रियास विच इज सीन इन ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस दूसरा दिखा रहा है मेडन वेस्ट अपेरेंस सीन इन रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस तीसरा दिखा रहा है लिम्फो प्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट जो इन्होंने पहचाना था चौथा रिडल्स थायरोडाइटिस बटरफ्लाई शेप्ड थायरॉयड आई थिंक दे डिजर्व फुल मार्क्स वेल डन एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ओके अगला करें टीम बी नाउ टीम बी कनेक्ट द डॉट्स आपके पास चार डॉट्स हैं एक इमेज है कुछ सेल हैं कुछ क्रोमोसोम हैं क्या लगता है इनको कौन कनेक्ट कर रहा है हाँ जी ऑडियंस ऑडियंस भी सोचना शुरू कर दो यहां पे आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि कुछ क्रोमोसोम भी दिखाए गए हैं कुछ सेल हैं कुछ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है कुछ रेडियोलॉजी है कैन यू कनेक्ट द डॉट्स एंड गिव अस एन आंसर जब भी आप ऑडियंस में बैठेंगे मन करेगा काश मैं आगे खेल रहा होता लेकिन जब अपनी बारी आती है अपन हाथ नहीं उठाते हम सोचते हैं हाथ उठाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे लोग कुछ नहीं सोचेंगे आज से 10 साल बाद जिन लोगों के साथ आप बैठे हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कहां पहुंचे हो कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं जिनके कुछ बातें आगे बढ़ गई थी लेकिन आज से 10 साल बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा है ना
तो क्या चाहते हो वो सोचो, अपने आप को अलाइन करो, बेटा आंसर बताओ, बहुत टाइम हो गया, बोलो भाई। पास। पास तो था ही नहीं। अच्छा फिर ओके, सो ये तो नहीं बता रहे भाई, अब ऑडियंस पे आना पड़ेगा। ऑडियंस, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स एंड टेल अस कैसे ये चार इमेजेस आपस में जुड़ रही हैं? सोचो। हाँ बच्चे, वेल डन, यस। एक बार बेटा जोर से बोलेंगे? नहीं नहीं, वो नहीं है, नहीं नहीं, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी नहीं देखना चाहते हम, कुछ और है यहाँ पे। देखो वापस से देखो बच्चे, सारे बच्चे देखो, जो सीटी स्कैन दिख रहा है एब्डोमेन का, उसमें एक ट्यूमर दिख रहा है, एंड द ट्यूमर इज रिलेटेड टू द बावल, बावल के ऊपर रिलेटेड ट्यूमर है, लेकिन ट्यूमर बावल के अंदर नहीं है, ट्यूमर बावल के बाहर ग्रो कर रहा है। ऐसा कोई ट्यूमर है जो जो बाहर ग्रो कर रहा है, लिम्फोमा नहीं है। लेकिन अब सोचो, अच्छा कोई ऐसा, आप कोई सेकेंड ईयर का बच्चा है यहाँ पे, कोई भी किसी को जिसने ट्यूमर का नाम सुना, ऐसा कौन सा बावल का ट्यूमर होता है जो इंटरसीशियल सेल्स ऑफ कहाल से अराइज करता है और बावल के बाहर ग्रो करता है? जिस्ट। तो मैंने एक क्लू ऐड कर दिया, ये इमेज जिस्ट है। आप सोच सकते हो कैसे जोड़ रहे हो, पहली इमेज क्या है? बी इमेज तो जिस्ट है, जिस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। दूसरी देखते हैं, इसमें जो सेल दिख रहे हैं ये कौन से सेल हैं? पहली इमेज देख के बताओ सेल कौन से हैं। मास्ट सेल, पहली इमेज में मास्ट सेल दिखाए गए। ऐसी क्या चीज है जो मास्ट सेल ट्यूमर में मिलती है, जिस्ट में भी मिलती है? और अब इसमें देखना है हमने, जो तीसरा क्रोमोसोम दिखाया गया उसमें कह रहे हैं आइसो क्रोमोजोम 12p, इशारा कर दे बेटा वहां पे, आइसो क्रोमोजोम 12p, ये दिखता है सेमिनोमा में, सेमिनोमा। और आखिरी में दिखा रहे हैं IHC पॉजिटिव, जो किस चीज के लिए पॉजिटिव है, जो इसका आंसर है। एनीबडी, अब आंसर तो बोल दो भाई, कोई है ऑडियंस में हाथ खड़ा करके बता दे, प्राइज लेके लोग वेट कर रहे हैं। आंसर है, आंसर है सी किट, सी किट आंसर है, दिखा दे बेटा आंसर, सी किट, जो मास सेल ट्यूमर्स, जिस्ट, सेमिनोमा और IHC पॉजिटिव, था सी किट, आंसर था सी किट। ओके लेट्स सी, थोड़ा मुझे लगता है आप सबके लिए मुश्किल रहा होगा, तो वी गो टू, घबराएं नहीं, आपके लिए मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था, कोई बात नहीं। ओके टीम ए, टीम ए फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, कनेक्ट द डॉट्स। इनका तो जीरो है, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। हाँ जी बेटा, ऐसा क्या है जो इन चार इन सभी इमेज को जोड़ रहा है? हाँ जी सर, स्टारी स्काई अपीयरेंस है, स्टार और स्काई, अच्छा। एंड सर स्प्लीनोमेगैली, अच्छा। तो सर और बी सेल लिम्फोमा, सर डिफ्यूज लिम्फोमा, अच्छा। और ऑडियंस देखो इसको, ये हर साल आता है एग्जाम में, आप देखना शुरू कर दो, अगर आपने पैथोलॉजी पढ़ी है तो देख पाओगे। हाँ जी बेटा, अनफॉर्चुनेटली टाइम टाइम है इसमें कोई हमारे पास के इनफाइनाइट है, अब ना और सोच ले कोई बात है हम। ओके सो अनफॉर्चुनेटली हम इनको नहीं दे पाएंगे, ये स्टारी स्काई नहीं था, ये स्टारी स्काई नहीं था। सर स्टार तो दिख रहे थे, एक ही देखना था, तूने ज्यादा देख ली, एक ही था सेंट, ये एक स्टिलेट स्कार का दिखाया गया अपीयरेंस है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली इमेज में सीटी स्कैन में ये राइट साइड होती है, ये लिवर है, नहीं किडनी, एक्चुअली ये लिवर है, ये किडनी, ये पैंक्रियास, ओके ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। नाउ लुक एट द किडनी, और सेंटर में क्या दिख रहा है बताओ? सेंट्रल स्टिलेट स्कार। ऐसा कौन सा ट्यूमर होता है जो आप देख पाते हैं, सोच के बताना, ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो आप देख पाते हैं किडनी में जिसमें सेंटर में स्कार होता है? ये अगर आप इमेज देखोगे INICT एग्जाम में पूछी, किडनी का ट्यूमर है लेकिन स्कार है, कौन सा ट्यूमर? ऑन्कोसाइटोमा, ऑन्कोसाइटोमा, ऑन्कोसाइटोमा। ओके यहां पे देखो, पैंक्रियास का ट्यूमर है, पैंक्रियास का ट्यूमर है, सेंटर में स्टिलेट स्कार है। पैंक्रियास का ऐसा कौन सा बेनाइन ट्यूमर होता है जिसके सेंटर में स्टिलेट स्कार होता है? ओल्ड लेडीज में देखा जाता है, बोलो, सीरस सिस्टेडिनोमा, सीरस सिस्टेडिनोमा ऑफ द पैंक्रियास। आखिरी नंबर पे लिवर, लिवर के लेफ्ट लोब में ट्यूमर है, सेंटर में स्कार है।
लिवर के लेफ्ट लोब में ट्यूमर है जिसको ट्यूमर नहीं कह सकते, बिनाइन लीजन है, इसका क्या नाम है बोलो? फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। ऐसी आंसर दिखा दे बेटा एक बार सबको, ऐसे कौन सी तीन डिजीज है, कौन से तीन ट्यूमर है जिनके सेंटर में स्कार होता है? रीनल ऑन्कोसाइटोमा, पैंक्रियास का सीरस स्टेनोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। क्लियर? आप सितारों को ज्यादा समझ बैठे लेकिन एक ही था। चलो एट द एंड ऑफ दिस राउंड मुझे लगता है राउंड अब हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए क्वेश्चन चलाते हैं। एक बार रुक जा बेटा, ऑडियंस ने इसको देख के बताना है क्या इन सबको कनेक्ट करके, अगला दिखा दे, इन सबको कनेक्ट करके क्या आप कोई डायग्नोसिस बना सकते हैं? सिर्फ ऑडियंस के लिए। हाँ जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना INICT एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। एक बड़ा टिपिकल ECG का पैटर्न है, कुछ टिपिकल पैथोलॉजी में भी दिखाया गया है। क्या आप सोच पा रहे हो इसके बारे में? हाँ जी ऑडियंस, क्या कोई ऐसा है ऑडियंस में जो आज इसको बता दे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि मैं डिजर्व करता हूं आगे की कुर्सी, अगली बार मैं जीतूंगा? एनीवन ऑडियंस, आर यू एबल टू टेल इट? हाँ जी बोलिए बेटा। नहीं, क्या हम टीमों के पास वापस जाएं? एनीवन वांट्स टू पार्टिसिपेट रेज योर हैंड बेटा, ऑडियंस क्वेश्चन प्राइज है। हाँ जी बेटा, ब्रुगाडा तो नहीं लग रहा यार, नहीं ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ बच्चे, हाइपरकैलेमिया नहीं है ये, और कुछ? हाँ AR, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। लेकिन सिंड्रोम क्या है जिसमें ये सब कुछ होता है, हमें उसका नाम जानना है, सिंड्रोम का नाम जानना है जिसमें ये सब हो रहा है। एनीवन सिंड्रोम का नाम आया हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनीवन बोलो? नहीं, चलो टीम से वापस जाते हैं। एनीवन कौन सा सिंड्रोम है ये? उसने बताया उसका कुछ एक पार्ट उसने सिखाया था, मायोसाइट वाला जो मसल वाला पार्ट उसने बताया था हार्ट में क्या हो रहा है। एनीवन ओके, सो विल फाइनली गिव यू द आंसर, द आंसर इज नैक्सॉस सिंड्रोम, नैक्सॉस NAXOS। ए पे था वूली हेयर, वापस से दिखाइयो इमेज दिखा दे, वूली हेयर। दूसरे पे दिखा रहे थे पाल्मर केराटोडर्मा, प्लांटर स्केलिंग, मायोसाइट डिस्प्लेजिया, जो मसल में देखा था ना हमने, जो आप कह रहे थे राइट वेंटिकुलर डिस्प्लेजिया, मायोसाइट डिस्प्लेजिया फैटी रिप्लेसमेंट हो गया। ई में दिखा एप्सिलॉन वेव ऑन ECG, एफ पे था वेंटिकुलर टेकिकार्डिया लीडिंग टू सडन डेथ। आंसर था नैक्सॉस सिंड्रोम। ओके क्लियर? ओके आई थिंक ऑडियंस नहीं बता पाए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम राउंड थ्री पे आते हैं। राउंड थ्री हमारा आखिरी राउंड है एंड आई होप इसको हम इतना ही इंजॉय करें जितना हमने अब तक दोनों राउंड इंजॉय किए हैं। बहुत ही शानदार टीम है, आई थिंक दे डिजर्व अ बिग हैंड फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये भी चाहते तो बाहर घूम सकते थे लेकिन बोला नहीं, हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम जीतेंगे। जैसे एक बार ना सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था, छोटा था उम्र में, उसके मुंह पे एक फास्ट बॉलर ने बॉल मारी, उसको खून आ गया उसका, आपने देखा था, एक हेलमेट में से बॉल गई उसको सर पे लग गई, उसको लगा। बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि यार बॉल सर पे लग जाती लोग खेलते नहीं है, उसने कहा मैं खेलेगा, इसलिए वो सचिन बन गया। इन बच्चों ने क्या बोला? मैं खेलेगा इसलिए आगे बढ़ेंगे। ओके रेडी? ओके टीम ए आर यू रेडी? यहाँ पे हर टीम को तीन क्वेश्चन मिलेंगे, हर करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पास नहीं है, 15 सेकंड है। ओके तीन क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, सिंपल। और टॉपिक क्या था हमारा? फूड एनिमल प्लेसेस। आर यू रेडी टीम ए? टीम ए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टीम ए, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंजेनिटल कंडीशन प्रेजेंटिंग विद डाउनवर्ड स्लांटिंग ऑफ आईज, माइक्रोग्नाथिया, अबनॉर्मल ईयर। सर टीचर कोलिन, करेक्ट, टीचर क्रॉलिंग इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। ओके अगला 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 बेटा, अगला 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 बेटा, हाँ प्लस फाइव। क्यारी टाइप 2 मैलफॉर्मेशन विद सेरिबेलम रैप टाइटली अराउंड द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड ट्रिगरिंग डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ पोस्टीरियर फॉसा विल गिव द अपीयरेंस ऑफ? सर बनाना साइन।
He कह रहे हैं बनाना साइन है करेक्ट अनदर फाइव मार्क्स तीसरा क्वेश्चन 1 to 2 millimeter mobile rounded masses of fibrin after pleural effusion are called as okay they are not answering it okay anybody from the audience mobile rounded koi bhi cheez goal hai lekin mobile hai mobile hame mobile dekhte hain to hum sochte hain it is moving hum usse bol dete hain प्लूरल माउस या फिब्रिन बॉडी ओके नाउ वी गो बैक एंड एक बार रिव्यू कर देते हैं ऑडियंस के लिए इस टीम से हमने तीन क्वेश्चन पूछे थे पहला क्वेश्चन था एक ऐसी कंजेनिटल सिंड्रोम जिसमें डाउनवर्ड स्लांटिंग थी जॉ छोटा था एबनॉर्मल ईयर थे आंसर क्या था ट्रीचर कॉलिंग सिंड्रोम अरे जूम कर दिया आपने बेटा ओके दूसरे में हमने पूछा था क्यारी मेलफॉर्मेशन में ये इस साल के May 23 INICT एग्जाम में पूछा गया था बनाना शेप्ड सेरिबेलम सीन इन स्पाइना बाइफिडा और तीसरा था अगर कोई ऐसा फिब्रिन का मास दिख रहा है प्लूरल इफ्यूजन के बाद तो आंसर था प्लूरल माउस फिब्रिन बॉडी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम बी ओके बस रुक जाओ आंसर पर टीम बी ओके डायरेक्ट क्वेश्चन पेशेंट विद नीमेन पिक टाइप सी आर रेजिस्टेंट टू दिस वायरस इबोला वायरस दे आर सेइंग इबोला करेक्ट 5 marks वेल डन Vertebral body has lost entire height anterior posterior representing a advanced crush fracture. Plana vertebra. कह सकते हैं और सोच ओके चलो ठीक है we will give it to them. Okay. हमारे पास आंसर है pancake vertebra but I think you are also correct. Okay. अगला name the sign that you see in the disease affecting midbrain, red nucleus, substantia nigra. On T2-weighted image. ऐसी कौन सी बीमारी है जो बच्चे के मिड ब्रेन को अफेक्ट कर रही है जिसमें ओके पांडा और वो सब कह रहे टाइम पांडा लेकिन बीमारी कौन सी है विल्सन टाइम ओवर हो गया था कि इन्होंने बचा दिया था शी इज मर्सीलेस आई एम सो सॉरी मैं दे देता लेकिन उसने मना कर दिया ओके कितने ठीक हुए इनके दो ठीक एक बॉर्डर लाइन पे मिस हो गया ओके सो व्हाट डिड वी सी हियर मैं दिखा रहा था उसको वापस देखते हैं इस पेशेंट के मिड ब्रेन में द एरिया इज अपीयरिंग वाइट जैसे पांडा की चीक्स हो लेकिन सबस्टांशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस डार्क दिख रहा है जैसे पांडा की आंख हो इसका नाम है फेस ऑफ पांडा सीन इन विल्सन्स डिजीज ऑन MRI फेस ऑफ पांडा Seen in Wilson's disease on MRI. Okay, ready. Direct question now for Team C. Neto Oyangani Oyanagi disease is also known as. Pass. Bada mushkil tak. Okay. Correct answer hum karte hain. Mucosa appearance of mucosa of the gallbladder where agla answer dikha. Agla question ha. Mucosa of the gallbladder where cholesterol esters. Triglycerides are accumulating in lamina propria of gallbladder. Cholecystosis, strawberry gallbladder. Strawberry gallbladder, correct. +5. Can't see, can't pee, can't climb a tree. Reactive arthritis, correct. +5. Okay, पहला वाला try करना है. Time up. Okay, +10. So we revise. एक बार दोबारा देख लेते हैं. पहला question था. Naito Oyanagi disease is also known as. Answer क्या था? बोलो हार रिवर डिजीज डेंटेटो रुब्रो पेलिडो लाइजियन एट्रोफी बहुत ही मुश्किल था सॉरी आगे देखते हैं म्यूकोसा जो गॉलबैडर में कोलेस्ट्रॉल अल्सर एस्टर्स और ट्राइग्लिसराइड है स्ट्रॉबेरी म्यूकोसा स्ट्रॉबेरी गॉलबैडर करेक्ट स्ट्रॉबेरी गॉलबैडर था करेक्ट और अगले में था कांट सी कांट पी कांट क्लाइंब अ ट्री फेमस लाइन फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस आपने करेक्ट बताया आंसर था रीटर्स डिजीज रिएक्टिव आर्थराइटिस वेल डन Okay, Team D, are you ready? We are about to reach to an end to this massive quiz participation by them. I think they deserve a big hand and one round of applause for your organizers. इससे पहले मैं आखिरी दो क्वेश्चन पूछूं जो बच्चे इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बार सामने खड़े हो जाएं. Organizers, give them a big hand. बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं इवेंट में आना बहुत आसान ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल ज्यादातर लोग आखिर में आते हैं ज्यादातर लोग अभी इनको फोन करके पूछ रहे होंगे अरे यार ये क्विज़ विज़ खत्म होगी डांस हो रहा है तो आ जाऊं
कोई ऑर्गेनाइज करने नहीं आता, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको बाद में सब बच्चे बोलते हैं कि तूने ये करा, तूने वो किया, किया उसी ने, लेकिन दे डिजर्व अ बिग हैंड। आई थिंक आपने बाकी टीम को भी बुला लेना। ओके लेट्स गो, टीम डी आर यू रेडी? ओके, ब्लू डिजीज इज ऑल्सो नोन एज विच फीवर? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। करेक्ट, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, वेल डन। हाई ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा विच क्रॉसेज द मिड लाइन वाया कॉर्पस कैलोसम इज नोन एज? और कुछ कह सकते हैं उसे? ओके, बटरफ्लाई ग्लाउमा, करेक्ट। अ मेल चाइल्ड पेटिकिए स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीड एक्जीमा रेज्ड आईजीएम स्प्लीनोमेगेली, क्या लगता है? ये तो बहुत आसान है, विस्कॉट एल्ड्रिज, करेक्ट। फुल 15 मार्क्स, वेल डन। कौन से कॉलेज से हैं बेटा? यहीं से हैं। नाम क्या है आपका? इसी के नाम पे बोल रहे थे पहले तुम लोग क्या? नहीं, हाँ यही तेरा दोस्त है। ओके, वी गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेल डन। ओके, रिवाइज करते हैं वापस 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 वापस, जो बच्चे नहीं देख पाए उनके लिए। ब्लू डिजीज कौन सा फीवर? आंसर दिखाओ। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अगला, कौन सा ऐसा एस्ट्रोसाइटोमा है जो मिड लाइन को क्रॉस करके दोनों तरफ दिख रहा है? इट लुक्स लाइक द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। आंसर क्या है? बटरफ्लाई ग्लायोमा। ओके, एंड मेल चाइल्ड पेटिकिए स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीड एक्जीमा स्प्लीनोमेगेली रेज्ड आईजीएम, आंसर क्या था? विस्कॉट एल्ड्रिज सिंड्रोम, वेल डन, दे गॉट ऑल थ्री राइट, फुल 15 मार्क्स। ओके, फाइनल थ्री क्वेश्चंस ऑफ द क्विज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू आस्क द टीम ई टू आंसर। आर यू रेडी टीम ई? हराना है या जी, क्या करना है बता, कितना 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 चाहता है कि जीते हम लोग? बहुत ज्यादा चाहता है, वेरी गुड, यही स्पिरिट चाहिए हमें। ओके ओके टीमी, क्वेश्चन नंबर वन, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी वेयर क्रेनियोस्टेनोस्टोसिस एंड सिंडेक्टली आर प्रेजेंट? एपर्ट सिंड्रोम। अपर्ट सिंड्रोम, करेक्ट। क्यू फीवर कॉज्ड बाय अगला कॉक्सेला ब्रुनेटी, व्हाट डज क्यू इन क्यू फीवर डिनोट? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड फीवर, करेक्ट। What appearance will you see in non-metastasizing variant of verrucous carcinoma of squamous cell carcinoma of oral cavity? Is appearance ka kya naam hai? Okay, they don't know. Anybody from the audience? They get full 10 marks here, and we are posting this question to the audience. Now, isko non-metastasizing variant है, verrucous carcinoma है, squamous cell carcinoma, oral cavity, appearance दिखाया गया है, नाम बताना है। Anyone in the audience? कौन सा appearance? Cauliflower। आज ही सोचा ना तुमने? नहीं है ये, और सोचो। Okay, anyone wants to guess? Okay, anybody from the teams? हाँ जी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एलिफेंट फुट अपेयरेंस, एलिफेंट फुट अपेयरेंस। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है ऑडियंस बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, तो ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑडियंस क्वेश्चन है, जब तक स्कोरर्स प्लीज कैलकुलेट द स्कोर। क्रोकोडाइल स्किन इज सीन इन विच कंडीशन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस? हाथ खड़ा करके आंसर बताना बेटा। क्रोकोडाइल स्किन किसमें होती है? इसमें ब्लाइंडनेस भी होती है। हाँ बच्चे, विटामिन ए डेफिशिएंसी इसका आंसर नहीं है। ओके, एनीबॉडी एल्स? क्रोकोडाइल स्किन को भी जोड़ना है ब्लाइंडनेस के साथ, एनीवन? बोलो बेटा, एनीबॉडी इन द पार्टिसिपेंट्स? Anyone wants to answer? Okay, so if nobody is giving us, हाँ बच्चे पीछे, हाँ नहीं है, नहीं जो भी कह रहे लग नहीं रहा मुझे। No. So let's give you the correct answer now. Correct answer is onchocereosis mesoti reaction होता है, और it is actually already asked question, I'm sure आपने देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा था, मुझे लगता है आपको पता था। So the teams are already ready with the scores. So let us see the final scores. Okay. क्या करें? मैं करता हूँ. Okay. कितने final score कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, अब आपने पहले सोच के बताना है
कि कौन सी ऐसी टीम है जो इस मैच में, इस क्विज में थर्ड आई होगी? थर्ड कौन आया होगा? ओके, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं, डांस वाले बच्चे आ रहे हैं. ओके ओके, द टीम विच हैज कम थर्ड इज टीम ई. टीम ई, स्टैंड अप. ओके, गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. फुल 25 मार्क्स. बच्चे नाम क्या आपके, अपने बारे में बताएं. संस्कार गुप्ता, एनडीएम. सर वंश गुप्ता, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज. वेल डन बेटा, आप बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया. यू आर एट टीम एट थर्ड पोजीशन एंड देयर इज अ प्राइज टू बी गिवन एंड आई थिंक मुझे प्राइज भी देना, मैं देता हूं. ओके, हाँ जी. और कौन सी टीम सेकंड आई होगी यहाँ पे? टीम विच हैज कम सेकंड, टीम डी. टीम डी हैज 30 मार्क्स. टीम डी प्लीज स्टैंड अप. ओके, अपने बारे में बताएं. आई एम हर्ष गोयल फ्रॉम एनडीएमसी कॉलेज. हर्ष गोयल फ्रॉम एनडीएमसी, वेल डन. होम टीम ने आग लगा रखी है. ओके, अपने बारे में बताएं बेटा. आई एम अंकित फ्रॉम एनडीएमसी कॉलेज. अच्छा, इतने आसानी से नहीं जाने देंगे. अपने बारे में कोई ऐसी हॉबी बताओ जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है. चेस खेलना पसंद है. चेस खेलना पसंद है, वेरी गुड. दोनों को के एक को? ऑनलाइन शॉपिंग में ढूंढना. ऑनलाइन शॉपिंग का चैंपियन है ये. इस शॉपिंग का फायदा कौन उठा रही है? सारा कॉलेज जानना चाहता है आज. चल कोई बात नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग चालू रखें, डिस्काउंट कूपन का पूरा इस्तेमाल करें. वेल डन, वी गिव देम अ प्राइज. ओके, वेल डन. एंड फाइनली आखिर हम पहुंच गए उस जगह पे जहां पे हमें देखना है कि टीम जीती कौन सी है. एंड द विनर्स टुडे ऑफ दिस मासिव क्विज ऑर्गेनाइज्ड इन एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री विद वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्स एंड द स्मार्टेस्ट किड्स इन द टाउन, टीम सी. टीम सी हैज स्कोर 35 मार्क्स. पांच मार्क्स का गैप था एंड इट वॉज वेरी क्लोज. कैसा लग रहा है बेटा, अपने बारे में बताओ और कैसा लग रहा है जीत के? सर बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड. अब तक बहुत क्विज में गया हूँ लेकिन कभी भी फर्स्ट नहीं आया, हमेशा थोड़े से. आज अपना टाइम आ गया. अपना टाइम आया कि अपन खुद लाया? अपना टाइम आ गया कि अपन खुद लाया? खुद लाया. वेल डन बेटा. सर प्रणव. प्रणव कौन से कॉलेज से? सर एनडीएमसी. एनडीएमसी, वेल डन बेटा. बताओ अपने बारे में. सर सेम रीजन, हम दोनों क्विज में हमेशा साथ में जाते थे. हमेशा साथ जाते थे, वेरी गुड. अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर. कितना अच्छा? बहुत अच्छा सर. अब इसको, इस अवार्ड को जीतने के बाद क्या करोगे? सर बाकी क्विज में फर्स्ट आना है. बाकी क्विज में फर्स्ट आएंगे, मुझे लगा वर्ल्ड पीस के बारे में कुछ बताएंगे. ओके, गिव देम अ प्राइज एंड अ राउंड ऑफ बिग अप्लॉज. वेल डन. हाँ जी, एक ना हम अभी एक ग्रुप फोटो खींच रहे हैं. ये फोटो सभी विनर्स के लिए और उन विनर्स में आप इंक्लूडेड हैं. तो अगर आप सोचते हो कि आप विनर हो तो आप वी साइन बनाओगे और आप एक खूबसूरत सी स्माइल भी दोगे. जितने बच्चे इस फोटो में जितनी अच्छी स्माइल देंगे उतनी अच्छी फोटो कॉलेज के मेन नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले की जाएगी. रेडी,
ओके रेडी आज बेटा आज और थोड़ा सा शोर भी मचाना है भी। ये शोर मचाना है आपने उन लोगों के लिए जो आपके अंकल आंटी पड़ोसी शर्मा जी के बेटे जो आपसे हमेशा कंपेयर करते रहते हैं और कह रहे हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए शोर मचाना है उनको बताना है हम हैं रेडी ऑन योर मार्क्स मैं आ गया आ गया आ गया ऊपर से नीचे आ जाएं हम बैठ जाएं हम बैठ जाते हैं आ जाओ ओके ऑन योर मार्क्स जो बच्चे वी बना रहे हैं वो सारे विनर हैं ओके रेडी मैं देख पा रहा हूं ओके वन टू थ्री एनडीएमसी रॉक्स अपना टाइम अपन खुद लाएंगे वेल डन I would like to thank all the participants and I would like to thank Dr. Sumaya Sethi sir for taking his time out from his busy schedule and motivating us today. Thank you so much sir. We are highly, highly grateful. Can we all just stand once again and say thank you to sir? And a huge round of applause for sir. Thank you sir. Thank you so much. Sit and pose for the picture that's being taken. Thank you so much, sir. अच्छा जाने से पहले ना मैं एक आपको लास्ट चीज़ बताऊंगा जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव सीन आप मैंने बनाया वो इंटरेक्टिंग विद यू मुझे लगता है आप वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बैचेस हो जिससे मैंने बात की है तो मैं आपको जाते हुए एक बात बताना चाहता हूँ एक हमारी स्टूडेंट थी हमारे साथ पढ़ रही थी कोलकाता में पढ़ते समय ना साल के बीच में उसको वो बीमार हो गई और उसको थोड़ा ऐसा ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो गया और बाद में वो MRI पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज हो गई मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है एक क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग न्यूरोलॉजिकल इलनेस जब हम किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता चलता जब अपने ऊपर आती है तो पता चलता है तो उसको क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो गई उसके बाद वो कभी क्लास में आती थी कभी ऑनलाइन पढ़ती थी कभी क्लास में आती थी ठीक है उसके बाद उसका उस साल में नीट PG में कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि बीमार हो गई थी आना भी नहीं था उसके अगले साल ना मैं एक बार हमारे डैम्स के करियर काउंसलिंग में बैठा था वो मेरे पास आई कहती सर पहचाना मैंने कहा हाँ बच्चे तेरी तबीयत कैसी है वो कहती सर आई एम बेटर नाउ मैंने बोला कैसे आना हुआ कहती सर मैंने नीट PG निकाला इस बार मेरा टॉप 2000 में रैंक आया समझ पा रहे हैं आप उसने टॉप 2000 में रैंक निकाला तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस और छूटते ही मैंने उसे बोला बेटा रेडियोलॉजी ले ले मैंने रेडियोलॉजी इसलिए बोला क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ और रेडियोलॉजी में थोड़ा लाइफ थोड़ी ईजी होती है मतलब ऐसे मैं बायस नहीं था कि कर नहीं सकती ऐसा नहीं मेरे छूटते ही बोल दिया कि रेडियोलॉजी ले ले उसने मुझे जो जवाब दिया मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ उसने मुझे बोला कि सर मैं आपको थैंक यू करने आई हूँ लेकिन ब्रांच मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है बचपन से बताओ कौन सी ब्रांच लेना चाहती थी वो ऐसी कौन सी ब्रांच है जो MBBS के समय में आपने देखा सबसे बिजी और सबसे मोहब्बत से वो बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत से ऑप्शन का ही नहीं तो उसे ओम्स एंड गाइनी असली मोहब्बत तो उसने ओम्स एंड गाइनी ऑप्ट किया मैंने पूछा क्यों ओम्स एंड गाइनी ऑप्ट करना चाहती है तो बहुत मुश्किल ब्रांच है करने के लिए बहुत हैवी है उसने मुझे बोला कि सर मैं मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरी बीमारी को नहीं देना चाहती मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती थी ना कि वो जो ये बीमारी मुझसे कराएगी मैं दोबारा वही बोलूँगा जो मैंने शुरू में आपको बोला ज़िंदगी में बदलाव कब आता है जब हम डिसाइड करते हैं ये ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे पास है कई बार हम आपकी उम्र में ऐसे कर देते देखो अपनी एक उंगली उठा लेते हैं और कहते हैं इसकी गलती है कॉलेज की गलती है गवर्नमेंट की गलती है दुनिया की गलती है और जब हम ये उंगली को मोड़ के अपनी तरफ कर लें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी ज़िंदगी के पावर आ जाती है ज़िंदगी में बदलाव कब आएगा
जब ये फिंगर अपनी तरफ करो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू बेटा.